तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम आप लोग को दिखाना चाहते हैं, पता नहीं सऊदीया में बंदों को क्या प्रॉब्लम है, जो भी आता है मेरे गाड़ी में ठोक के जाता है, वो भी पीछे से। और जितने भी आज तक आदमी मेरे गाड़ी में ठोके हैं सब बाहरी भी आदमी रहते हैं, इसलिए छोड़ भी देते हैं कि चलो गरीब आदमी है, परेशान हो जाएंगे, क्या मतलब है, क्योंकि पीछे हमेशा सब ठोक कर जाते हैं, उसी पर ला के दोबारा ठोकते हैं, तो उतना प्रॉब्लम होता नहीं है, इसलिए छोड़ देते हैं। तो आज आप लोग को दिखाते हैं कितनी मरतबा मेरे गाड़ी में सब ठोके हैं। जैसे आप लोग को पता है यही मेरी गाड़ी है जिसमें सब लोग ठोकते हैं, ये आप लोग को दिखाते हैं। ये तो पहले से ठुका था और एक मरतबा हमसे ठुक गया था साइड में, हमने जो है एक लड़की गाड़ी चला रही थी, उसने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा हम राइट में गए, वो लेफ्ट में आ गई तो लग गया था। आपको पीछे बैक साइड में दिखाते हैं, वैसे तो गाड़ी में और कहीं नहीं लगा है जब से मैं इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये पीछे में जितने भी आते हैं सब पीछे में मार के जाते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सब एक मरतबा सब बाहरी आदमी रहते हैं यहाँ पर मार दिया था, फिर आज यहाँ पर ही मारा है तो थोड़ा सा स्क्रैच लगा है, इसीलिए उसको भी जाने दिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी जो है मार के चला गया है, यहाँ भी, यहाँ पर तो दो मरतबा सब मारे हुए हैं, एक मरतबा यहाँ पर मारा है, तकरीबन चार पाँच मरतबा जो है मेरे गाड़ी में बैक साइड में ठोक कर गए हैं। यहाँ पर एक आदमी मार दिया था, आप लोग देख सकते हैं ये भी उखड़ गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ भी जो है मार के चले जाते हैं सब। खाली जो है दो मरतबा सऊदी एक्सीडेंट किए थे तो उनको जो है रोके थे, बाकी जो बाहरी लोग हैं एक्सीडेंट करते हैं तो छोड़ देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये गाड़ी बहुत मजबूत है वैसे, इसीलिए कोई उतना प्रॉब्लम नहीं होता है तो छोड़ देते हैं, वैसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होता है तो रोकना ही पड़ेगा, पुलिस वाले को बुलाना ही पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम जो कि पहले से गाड़ी ठुकी रहती है तो इस पर ठोकते हैं तो कोई दिक्कत होता नहीं है, ये नीचे का जो ठुक गया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो छोड़ देते हैं क्योंकि बाहरी आदमी है ना। तो आप लोग देख सकते हैं मैं परेशान हो चुका हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है बंदों को, क्या करते हैं कि मेरे गाड़ी ये लोग जो है पहचान चुके हैं, कहीं भी देखते हैं तो पीछे से ला के ठोक देते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं गाड़ी साफ़ सुथरा है, यहाँ पर कहीं पर भी ऊपर नहीं लगा हुआ है, यहाँ साइड में भी नहीं लगा हुआ है मेरे से, ये नीचे का जो इसको जो है ये इसका जो शो है ये उखड़ा था, ये मेरे से नहीं उखड़ा है। बाकी आप लोग देख सकते हैं यही मेरी गाड़ी है, सही है बात, जो भी प्रॉब्लम होता है वो पीछे से होता है। एक मरतबा मैंने आगे से, एक मरतबा केवल आगे से मैं एक आदमी को टच कर दिया था, वो भी ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा तो थोड़ा सा ही टच हुआ था, ये आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो हम सोचे राइट से लेकर निकल जाते हैं, थोड़ा सा जगह था तो देखे नहीं, वो आगे वाला गाड़ी ऑटोमेटिक रोक दिया अचानक में, तो इसीलिए एक्सीडेंट हो गया था, ब्रेक मारे हम तो गाड़ी रुका नहीं। यहाँ का ब्रेक ऐसा होता है कि अगर आप अचानक में उसको ब्रेक लगाओगे तो लगता नहीं है, वो गाड़ी थोड़ा सा ब्रेक जो आवाज़ आता है खर रखा और आगे गाड़ी थोड़ा सा चला जाता है, वो लगता नहीं है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही हम सोचे आप लोग को दिखा देते हैं बंदों को क्या प्रॉब्लम है, कि जो है गाड़ी में जो भी आता है वो भी बैक साइड से ठोक के चला जाता है पीछे मेरे। उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं ये गाड़ी में यही मसला है फोर्ड कंपनी का, जो भी ये वाला जो गाड़ी है मॉडल का, इसमें हवा में जब गाड़ियां थोड़ा पुरान हो जाता है तो ये उड़ जाता है, ये भी उड़ गया है, और उस साइड का भी आप लोग को दिखा देते हैं, उस साइड का भी जो है उड़ गया है। हम जा रहे थे हाईवे रोड में, 120 का स्पीड था तो उसमें कहाँ रुकेंगे हम, वो भी हाईवे रोड में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ का भी उड़ गया था और उस साइड का भी उड़ गया है, तो यही है मेरी गाड़ी। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चलती है गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे कुछ होता है तो आप लोग को दिखाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।